हेलो कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यूनिट सेकंड है हमारी यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। यूनिट्स इस वीडियो में मैंने यूनिट सेकंड के संपूर्ण यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो चलिए चलते हैं, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन टूल इज ए डैश डैश सिस्टम। ट्रांसलेशन टूल जो होता है वो एक सिस्टम होता है। तो आंसर है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग सिस्टम माना होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग सिस्टम होता है, आंसर ए होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसलेशन टूल्स ट्रांसलेट डैश 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 इंटू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन टूल्स जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं, किसको ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए, लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन टूल्स भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी लैंग्वेज, लैंग्वेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटर कास्टर वर्ग डिवाइडेड द ट्रांसलेशन टूल्स इन। पेटर कास्टर वर्ग जो थे उन्होंने ट्रांसलेशन टूल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया था? तो इन्होंने थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड किया था। ये तीनों दे रखे हैं, देखो, FAMT, HAMT और MAST। तो आंसर इसका होगा डी। मैं आपको इसका मतलब समझा दूं, FAMT होता है फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन, और HAMT होता है ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन, मतलब ह्यूमन हेल्प, जिसमें ह्यूमन की हेल्प की आवश्यकता होती है, और मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन। तो मशीन की आवश्यकता होती है जब ह्यूमन ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ये सब FAMT, HAMT, MAST समझने के लिए मेरी इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन टूल्स की एक वीडियो पड़ी हुई है, सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको मुझे लगता है तनिक भी प्रॉब्लम नहीं हो यहाँ होनी चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAMT स्टैंड्स फॉर। FAMT का क्या तात्पर्य है? F मतलब फुली, A मतलब ऑटोमेटेड, और M फॉर मशीन और T फॉर ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर A हो जाएगा, फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन, पूरी तरह से और ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन जिसमें ह्यूमन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। और एक ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन होता है और एक मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन, इसको शॉर्ट में HAMT कह देते हैं, रिक्वायर्स आवश्यकता होती है एड हेल्प की, सहायता की, फ्रॉम किस 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 से। ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन में किसकी आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है ह्यूमंस की। तो आंसर सी होगा, ठीक है। तो मशीन से हम ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तब किसकी आवश्यकता होती है? ह्यूमन की, क्यों? ह्यूमन ही उसमें ट्रांसलेट करते हैं, और कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता होती है उस चीज़ को वो इंक्लूड करते हैं, हटाते हैं। तो एक नेक्स्ट है, मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन, मशीन एम मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं, देखो, ये आंसर इसका ए होगा, डिक्शनरीज, शब्दकोश, और ये होते हैं थ्रासिस। थ्रासिस जो होता है, थ्रासिस का मतलब होता है एक तरह से समानार्थी शब्द और वाक्यांशों का कोश, पर्याय कोश, पर्याय शब्दकोश, और एक एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया जो होती है उसका मतलब होता है विश्वकोश। जब मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन की जाती है
तब हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो इंक्लूड किए जाते हैं इसमें, इनकी आवश्यकता होती है। भाई किसी चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे, हम ही लोग किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो हम गूगल पर बहुत जल्दी सर्च कर लेते हैं, विकिपीडिया पर या जो भी ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेशन के टूल्स हैं उस पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वहाँ मीनिंग देख लेते हैं, विस्कोस, समानार्थी, जो भी जिसकी भी आवश्यकता होती है जहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द यूज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन का प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन है टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट किया जाता है। सही है, इजीली ट्रांसलेट ए कंटेंट, और आसानी से किसी भी कंटेंट को ट्रांसलेट किया जाता है। नो नीड ऑफ लैंग्वेज कंटेंट फॉर ट्रांसलेशन, नहीं। तो इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में ऑटोमेटिकली मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा किसी भी वर्क को ट्रांसलेट किया जा सकता है और किसी भी कंटेंट को बहुत इजीली ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो आंसर इसका डी होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन सोर्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन टूल्स आर। ओपन सोर्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन टूल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो सभी जानते हैं नहीं, तो जो ओपन सोर्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन टूल्स, एपरेटियम, एपरटियम और मोसिस, ये ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन टूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एन असेंशियल टूल फॉर गुड ट्रांसलेशन इज, असेंशियल मीन्स जरूरी, आवश्यक टूल फॉर गुड ट्रांसलेशन, एक गुड ट्रांसलेशन के लिए एक असेंशियल टूल्स क्या होता है। अब हम सभी जानते हैं भाई, ट्रांसलेशन के लिए सबसे जरूरी जो टूल होता है वो क्या होता है, डिक्शनरीज होती हैं, क्योंकि हमें शब्दों की जरूरत होती है इधर, तो शब्दकोश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब प्रोग्राम्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स आर, सब प्रोग्राम ऑफ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के सब प्रोग्राम्स आर होते हैं वो क्या होते हैं। इसका आंसर सी होगा, स्पेलिंग होती हैं और ग्रामर चेकर्स, स्पेलिंग और ग्रामर चेकर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर मे गेट इंफॉर्मेशन इजीली फ्रॉम ब्राउजिंग, यूजर मे गेट प्राप्त कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना इजीली, आसानी से बाय ब्राउजिंग। ब्राउजिंग मतलब नर्सरी, सरसरी नज़र डाल करके बहुत जल्दी से। तो वो क्या है, आंसर ए होगा, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया। सभी जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश होता है। ठीक है, तो ये आंसर ए होगा इसका, विकिपीडिया तो सभी जानते होंगे, गूगल पर जो भी बात निकाल के देता है, कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो विकिपीडिया ट्रांसलेशन टूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन टूल डैश डैश इज प्रोवाइडेड बाय गूगल, ट्रांसलेशन टूल, कौन सा ट्रांसलेशन टूल गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड किया गया है। तो सब जानते हैं गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन सोर्स ड्राइंग टूल, एक ओपन सोर्स ड्राइंग टूल्स जो होता है फॉर क्रिएटिंग करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए, एसवीजी को, एसवीजी ग्राफिक्स जो होते हैं उनको एडिटिंग और क्रिएटिंग करने के लिए एन ओपन सोर्स ड्राइंग टूल्स क्या होते हैं। वो होते हैं इंकस्केप, इंकस्केप होते हैं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट, कन्वर्जन मीन्स परिवर्तित करना, ऑफ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को, फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर, एक लिपि से, एक लेखन प्रणाली से दूसरी लिपि में किसी भी टेक्स्ट को परिवर्तन करना क्या कहलाता है। वो ट्रांसलिटरेशन कहलाता है, ट्रांसलिटरेशन, जिसको कहते हैं लिप
लिप्यंत्रण जैसे कहेंगे, शब्दों को एक भाषा या वर्णमाला से दूसरे संगत में बदल देना, ठीक है, वो ट्रांसलिटरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलिटरेशन प्रूव्स हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ। ट्रांसलिटरेशन जो है वो किस फील्ड में हेल्पफुल सिद्ध होती है? रिसर्च के फील्ड में, आंसर ए होगा, रिसर्च के फील्ड में ये बहुत प्रूफ सिद्ध होती है। जब हम सर्च करते हैं एमए में जा करके, मास्टर डिग्री जब हम करते हैं, पीएचडी करते हैं, तब तो रिसर्च करते हैं, या किसी भी मैटर पर हम रिसर्च करते हैं, ज़रूरी नहीं है एमए पीएचडी ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलिटरेशन हेल्प्स इन, ट्रांसलिटरेशन हेल्प्स करती है इन, किस में हेल्प करती है? आंसर होगा इसका, देखो टीचिंग लैंग्वेज में भी हेल्प करती है, प्रोनाउंसिंग वर्ड्स में भी हेल्प करती है, लर्निंग ए लैंग्वेज में भी हेल्प करती है। तो आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। इसमें से एक भी दे सकता है वो, सभी न दे करके एक एक दे सकता है, लेकिन आपको तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से ही हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाती है। जितने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप उतने ही तैयार कर लीजिए, तब भी आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।